हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं हल्दी और सूंठ की गोली। ये रेसिपी मैंने अभी प्रेजेंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए बना रही हूँ। ये हल्दी और सूंठ की गोली जो है वो बड़ों से लेके छोटे बच्चों तक सबके लिए बहुत ही हेल्दी है। जिनको सर्दी खांसी हो या रोग प्रतिकारक शक्ति वीक हो, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना हो या फिर वेट लॉस करना हो, सबके लिए ये बहुत ही यूज़फुल है। या फिर आपका डाइजेशन सिस्टम वीक है, उसके लिए भी आप ये हल्दी और सूंठ की गोली यूज़ कर सकते हैं। इसे कब और कैसे लेना है ये मैं आगे बताऊंगी। अभी हल्दी और सूंठ की गोली बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 कप गुड़ लेंगे। ऐसे डार्क ब्राउन कलर का गुड़ हमें लेना है, येलो वाला गुड़ नहीं लेना है, वो केमिकल वाला रहता है। हम ये डार्क ब्राउन कलर का गुड़ लेंगे। 1 कप गुड़, 250 ग्राम गुड़ है, उसको हमें मेल्ट करना है अच्छे से। इसे मिक्स करते रहना है और मेल्ट करना है। आप देख सकते हैं गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। हमें ऐसी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी चाहिए। अब हम गैस बंद कर देंगे और बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। 1/4 कप हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर जो है वो एंशियंट टाइम से मेडिसिंस में यूज़ होते आ रहा है। फिर नेक्स्ट है सूंठ पाउडर। सूंठ जो है वो अदरक को सुखा के उसका पाउडर बनाते हैं, उसको सूंठ पाउडर कहते हैं। फिर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है 1 बड़ी चम्मच और 1 छोटी चम्मच अजवाइन, जो डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट है 1 बड़ी चम्मच और 1 छोटी चम्मच नमक। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है मरी पाउडर, काली मरी का पाउडर 1 छोटी चम्मच और 1 बड़ी चम्मच। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ हमें गैस चालू नहीं करना है, गैस बंद करके ही हम मिक्स कर रहे हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसे एक अलग बाउल में निकाल लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। यहाँ जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं वो सारे इंग्रेडिएंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी और यूज़फुल है। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। काबुली चने जो रहते हैं उसकी साइज़ के बॉल्स बनाने हैं, ज़्यादा बड़े नहीं बनाने हैं। ज़्यादा ठंडा भी नहीं होने देना है, बस हल्का सा ठंडा होने पर हम इसके बॉल्स बना लेंगे। इस तरह से छोटे बॉल्स बना लेने हैं। यहाँ सारे बॉल्स रेडी है। अब इस गोली को कब और कैसे यूज़ करना है? अगर आप बड़ों को ये गोली दे रहे हैं तो दिन में 2 टाइम गर्म पानी के साथ 2 से 4 गोली दे सकते हैं। और अगर छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो दिन में 1 गोली गर्म पानी के साथ देंगे। 1 साल से बड़े बच्चों को आप ये गोली दे सकते हैं। सो बहुत ही इजी रेसिपी है और फटाफट बन जाती है। आप इसे ज़रूर बनाइए और इस गोली को आप एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।